वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सैयदा से, जिन्होंने बखूबी से दो लेवल पार कर लिए, लेकिन अफसोस उनके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। कोई बात नहीं, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा लेवल सैयदा के साथ। सैयदा रेडी? हाँ। फुल कॉन्फिडेंट? हाँ। और मैं चाहती हूँ कि जो आपने दो लेवल पार करे हैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ, तीसरा लेवल भी आप बखूबी से पार करें और यहाँ से जीत कर जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे लेवल का। सैयदा, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, मोहम्मद बिन अबी बकर की वालिदा कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए आसमा बिनते उमैस, बी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, सी हबीब बिनते रबिया, या फिर डी उम्मे फजल बिनते मामून। डिफिकल्ट। आपको पता है इसका जवाब? मैंने कहा था तीसरा लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कोई लाइफलाइन भी नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर की वालिदा कौन है, क्या लगता है आपको? ए। आपको लगता है ए आसमा बिनते उमैस। महफूज कर दो? हाँ। कंप्यूटर ए आसमा बिनते उमैस को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सैयदा, क्यों आपने ए आसमा बिनते उमैस को फ्रीज किया? आपने हिस्ट्री पढ़ी है? आपने हिस्ट्री पढ़ा है, हाँ या ना? नहीं। नहीं, तो आपने क्यों फ्रीज किया ए को? क्या आपको पता है इसका सही जवाब? पता नहीं। आपने गेस किया है? हाँ। सैयदा, ए आसमा बिनते उमैस इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड। आई एम इमेंसली इम्प्रेस्ड विथ यू। जो आपने गेस किया ए आसमा बिनते उमैस इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ये बी अब्दुल मुत्तलिब हो नहीं हो सकता। आपको लग रहा था कि बी तो नहीं हो सकता, फिर? और डी में उम्मे फजल का भी आया था, वो मामून की बेटी है, वो नहीं है। तो आपको लगता है कि डी भी नहीं होता फजल बिनते मामून? वो तो अभी आपने सवाल का जवाब दे दिया है। वेरी गुड, तो आपको लग रहा था कि बी डी तो डेफिनेटली नहीं है, बचा ए और सी। सी में मोहम्मद बिन अबी बकर का वो कुछ वो नहीं है, यानी उसका ये सी में लकब नहीं है उसका। सी में लकब नहीं है आपको लग रहा था? हाँ। तो आपके पास बचा ए आसमा बिनते उमैस। वेरी गुड, जो भी आपका गेस था और जो भी आपका कैलकुलेशन था, पता नहीं वो सही था या गलत, लेकिन ये जवाब बिल्कुल सही था। सैयदा, आई एम वेरी इम्प्रेस। आपका गेस बिल्कुल सही था विदाउट एनी लाइफ लाइन। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सैयदा। अब तो मैं चाहूंगी कि आप सब सवालों का जवाब सही दें और यहां से ज्यादा जीत कर जाएं। दूसरा सवाल सैयदा, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में सहाबा की तबलीग के लिए किसे भेजा? ये पूरा एक वाक्या है हिस्ट्री में, अगर आपको याद है तो। आपके ऑप्शंस है ए खालिद इब्ने वलीद, बी हजरत अली अलैहिस्सलाम, सी जनाब हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, या फिर डी अकील इब्ने अबी तालिब। ये पूरा एक वाक्या हिस्ट्री में मौजूद है और काफी मशहूर है।
कि सबसे पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में सहाबा की तबलीग के लिए किसे भेजा? बताइए, किसे महफूज करो? बहुत सोच समझ के सही था। इमाम अली अलैहिस्सलाम। आपको लगता है बी हजरत अली अलैहिस्सलाम? महफूज कर दो। सैयदा महफूज कर दो। नहीं महफूज कर दो। ओके, तो किसे महफूज करो? सबसे पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में सहाबा की तबलीग के लिए किसे भेजा था? यमन में किसे भेजा था? खालिद इब्न वलीद, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब या फिर डी अकील इब्न अबी तालिब? आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं बची है। क्या लगता है आपको, क्या होगा सही जवाब? बी और डी में कंफ्यूजन है। आपको बी हज़रत अली अलैहिस्सलाम और डी, बी और डी में कंफ्यूजन है और डी अकील इब्न अबी तालिब में कंफ्यूजन है? अकील इब्ने अबी तालिब। आपको लगता है डी अकील इब्ने अबी तालिब? महफूज कर दो। हाँ। कंप्यूटर डी अकील इब्ने अबी तालिब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। इट्स द रॉन्ग आंसर। अकील इब्ने अबी तालिब इज द रॉन्ग आंसर। सही था। क्यों लगा आपको ये? मालूम नहीं था। आपने गेस किया था? हाँ। सही जवाब था खालिद इब्ने वलीद। ये जो पूरा वाकया है वो हिस्ट्री में मौजूद है। हुआ क्या था कि जब खालिद इब्ने वलीद को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था तबलीग करने के लिए, वहाँ पर लोगों से सख्ती से पेश आए, तो इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस बुला लिया और इमाम अली अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजा ताकि वो वहाँ पर यमन में तबलीग कर सके। तो ये पूरा वाक्या मौजूद है हिस्ट्री में और काफ़ी मशहूर भी है। पर अफसोस, आपने गलत जवाब दिया। इतने करीब आकर जीत गए, बट नेवर माइंड, आपने बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ सब सवालों का सही जवाब दिया है अब तक। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंशाल्लाह अगली बार आप फिर से आइएगा और कॉन्फिडेंट के साथ और थोड़ी हिस्ट्री पढ़कर। और ये सवाल का जवाब आपको डेफिनेटली हमेशा के लिए याद रहेगा। ये लीजिए सैयदा, ये रही आपकी इनामी रकम 2500। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, सैयदा का सफ़र यहीं तक ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, इंटरेस्टिंग सवाल और एक इंटरेस्टिंग सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल।